इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अजय सिंह चौटाला दीपावली की पूर्व संध्या पर अपने गृह नगर सिरसा पहुंच गए। सिरसा में स्थित चौटाला निवास पर पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। अजय चौटाला ने दावा किया कि दिल्ली से सिरसा के बीच हर जगह लोगों ने उनका स्वागत किया। अजय चौटाला ने अपने बेटों दुष्यंत और दिग्विजय के पार्टी से निलंबन की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए। उन्होंने दुष्यंत चौटाला की राव इंदरजीत से मुलाकात का खंडन भी नहीं किया। आइए अजय चौटाला के चौटाला हाउस पहुंचने पर वहां के माहौल का जायजा लेते हैं, उसके बाद उनकी बायट भी सुनवाएंगे। अभी मैं 5 जिलों से होता हुआ आया। सुबह झज्जर से चला, गुड़गांव में कोई प्रोग्राम दिया हुआ नहीं था, तो भी सब जगह गांव में 50-60 लोग हर गांव के बस अड्डे पे, चौक पे, यहाँ पे भी थे, खड़े थे, सब जगह मिलता हुआ आया। झज्जर में तो मैंने कभी इतनी बड़ी मीटिंग शायद देखी भी नहीं, करी तो बहुत दूर की बात है। और यही तूफान दादरी में भी था, विवानी तो मेरा कर्म क्षेत्र है, वहाँ तो होना ही होना था। फिर हांसी में भी इसी तरीके से उत्साह था, और हिसार में भी मैं 3 घंटे 3.5 घंटे लेट था, वहाँ पे भी यही हाल था। फतेहाबाद में मैंने अपनी लाइफ में इतनी बड़ी मीटिंग नहीं देखी थी, अब कर क्या है। ये हाल पूरे प्रदेश का ही है। दुष्यंत और दिग्विजय को एक तरफ नोटिस दिया गया अनुशासनहीनता का, दूसरी तरफ उसी मंच से ये बात कही गई कि कुछ कांग्रेसी, पेड कांग्रेसी यहाँ पे आए हुए हैं जो माहौल बिगाड़ने का। आपने जब उनको आइडेंटिफाई कर लिया कि ये पेड कांग्रेसी आए हुए हैं, तो जो दुष्यंत और जो दिग्विजय कैसे दोषी हुए, उन पे क्या चार्जेस थे, उनके खिलाफ क्या एक्शन बनता था। फिर आपने अनुशासन समिति को सौंप दिया, उस अनुशासन समिति से तो पूछते भी क्या उन्होंने जांच करी है, क्या काम किया है। तो प्रजातांत्रिक तरीके से ना करके गैर प्रजातांत्रिक तरीके अपनाए जा रहे हैं, उसको लोग लाइक नहीं। राजनीतिक आदमी तो राजनीतिक आदमी से मिलेगा, वो सांसद हैं, वो उसी संसद के वो भी सदस्य हैं, मंत्री हैं, इस पर्पज के लिए गया। मेरी तो अभी बात नहीं हुई, पर मैंने वो न्यूज मैंने भी फ्लैश हुई भी देखी है। क्या माने इसके, क्या माना जाए इसका? अब दो पॉलिटिकल आदमी मिलेंगे तो कोई ना कोई तो मतलब तो निकलता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में दर्ज कराएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।